हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसी भी रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप जरा इस लेक्चर को अच्छा से समझना है, ठीक है? मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको समझना है, सिंसियर रहनी है, ठीक है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन पर तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है, और यानी रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पर। तो इससे पहले आप हमारे इस चैनल केमिस्ट्री क्लासेस पर एम के मिश्रा, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सबों तक हमारा ये लेक्चर वीडियो पहुंच सके, ठीक है बच्चों? तो बस सब सब सारा कुछ ये आप पर डिपेंड है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब और शेयर करोगे, ठीक है, सबों तक लेक्चर वीडियो पहुंच सकेगी, ठीक है? और बाकी तो बस कुछ है ही नहीं, सब आप पे डिपेंड है। चलो तो हम लोग चलते हैं, कॉपी और कलम निकाल लेते, ठीक है? फटाफट चलिए, आइए लिखिए, लिखिएगा, लिखिए, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट अपॉन टेम्परेचर, अपॉन क्या होगा, होगा अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, अपॉन टेम्परेचर। तो किसी भी, हाँ, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है? तो इस टॉपिक को हम नोट करेंगे। आप देखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर, किसी भी केमिकल रिएक्शन जो सब जो आपको जिसमें रिएक्टिंग स्पेसीज यानी जो अभिकारक होते हैं, जो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर उस रिएक्शन का पार्टिकुलरली अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो आप मेंशन नोट करोगे, आप नोट करोगे, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आप तापमान बढ़ाते हो, कितना बढ़ाते हो, टेम्परेचर 10 डिग्री सी। अब ध्यान रखना, किसी केमिकल रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सी बढ़ाते हैं तो उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और यानी रेट कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है, डबल। क्या होता है आपका, डबल हो जाती है। तो इस पॉइंट्स को आप नोट करना, और इसमें एक संबंध दिया था, लिखोगे आरहेनियस, लिखो आरहेनियस, आरहेनियस साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया, आरहेनियस गिव रिलेशनशिप, आरहेनियस गिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, एंड क्या होगा, टेम्परेचर। तो आ रही समझ मेरी बात? तो आरहेनियस जो साइंटिस्ट था, जिन्होंने किसी भी केमिकल रिएक्शन और उसके तापमान के बीच संबंध, रिलेशन, तो टेम्परेचर वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन के बीच संबंध जो दिया था, जो रिलेशन निकाला, वो कौन था, आरहेनियस ने।
उन्होंने क्या दिया था, जैसे आप इसको नोट कर लोगे, उन्होंने क्या निकाला रिलेशन आर्किमिडीज ने, उन्होंने ये बताया किसी केमिकल रिएक्शन पर तापमान का क्या इफेक्ट, उन्होंने एक संबंध दिया, उन्होंने क्या दिया एक रिलेशन दिया, क्या दिया एक रिलेशन, नोट कर लिया इसको, नोट कर लिए। तो देखिए उन्होंने एक रिलेशन दिया, रिलेशन क्या दिया, k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई अपॉन क्या होगा आर टी, ठीक है। तो बच्चों k बराबर ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन ऑब्लिक बटा क्या है आर टी है, जहां पर k क्या है, तो बच्चों यहां पर k है रेट कांस्टेंट, k क्या है रेट कांस्टेंट है, a क्या है, तो a बच्चों है आर्किमिडीज फैक्टर, आर्किमिडीज फैक्टर या आर्किमिडीज कांस्टेंट होता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये फैक्टर होते हैं ना, ये a का जो वैल्यू होता है वह किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होता है कांस्टेंट, फिक्स होता है। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए ये वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होंगे, और ध्यान देंगे ये डिपेंड निर्भर करते हैं ए का जो वैल्यू होता है वो आर्किमिडीज फैक्टर डिपेंड करता है कि कितना इफेक्टिव कोलिजन हुआ है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज जो है जो अभिकारक है वो रिएक्टिंग स्पीशीज अभिकारक के बीच कितना इफेक्टिव कोलिजन हुआ है और कितना सक्सेसफुल इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, अभिकारक के बीच कितना सक्सेसफुल आपस में रिएक्टिंग हुआ है, कितना आपस में टक्कर किया है, कोलिजन किया है, इससे क्या बना है प्रोडक्ट। तो जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, सफिशियंटली कोलाइड नहीं करेंगे विद सफिशियंट एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना आपको एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड, सॉरी क्या बोलते हैं उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज को रिएक्शन होने के लिए, यानी अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो उस रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी होना चाहिए ताकि वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो सके, तो वो जो मिनिमम एनर्जी रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, जिस जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उससे अगर कम हुआ आपको एनर्जी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो रिएक्टेंट के पास कम से कम जितना एनर्जी होगा और वहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी, जहां से कोलिजन होगा रिएक्टेंट में आपस में कोलाइड होगा, टक्कर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन मिनिमम एनर्जी और जहां से आपस में वो उस मिनिमम ऊर्जा से आपस में रिएक्ट करके कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग थ्रेशोल्ड। तो आर्किमिडीज फैक्टर ये हो गया, ये आपको डिपेंड करता है सक्सेसफुल कोलिजंस पर, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के सक्सेसफुल कोलिजन पर, यानी जो रिएक्टेंट है जो अभिकारक है वो आपस मॉलिक्यूल्स कितने आपस में टक्कर कर रहे हैं, आपस में कैसे कोलाइड कर रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए का वैल्यू हो गया। अच्छा ई ए क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए बच्चों क्या हो जाएगा, ई ए एक्टिवेशन, इसको हम क्या बोलेंगे आप नोट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट के पास जो मिनिमम ऊर्जा होता है, जो मिनिमम ऊर्जा होती है जहां से रिएक्शन अब स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेट करो यानी रिएक्शन को स्टार्ट करो। तो कितना मिनिमम चाहिए भाई एनर्जी, अगर उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी होगा रिएक्टेंट के पास तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो रिएक्टेंट के पास दैट कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना कम से कम ऊर्जा, जिस ऊर्जा से उसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेनिंग बाय रिएक्टेंट स्पीशीज है फॉर कैचेस, जहां से क्या होगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये मिनिमम ऊर्जा होती है, ये क्या होती है एक मिनिमम एनर्जी होती है जहां से क्या होती है जो सारे रिएक्टेंट के पास होता है अवेलेबल और वो आपस में कोलाइड करके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। तो चलिए ई ए क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी, और आर को पता होगा आपको, आर तो होता है गैस कॉन्स्टेंट बच्चों, आर क्या है फटाफट नोट करेंगे, आर हो गया गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या हो गया बताओ, टी हो गया टेम्परेचर, आपका। तो ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आर्किमिडीज फैक्टर आर्किमिडीज कांस्टेंट
पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, पार्टिकुलर अलग अलग रिएक्शंस के लिए ए का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अच्छा ई हो गया एक्सपोनेंशियल, ई ए क्या हो गया, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, मिनिमम एनर्जी कंटेंट बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, अभिकारक के पास कितना न्यूनतम ऊर्जा है और उस न्यूनतम ऊर्जा से अगर कम ऊर्जा होगी तो रिएक्शन स्टार्ट, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको आपने नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए तो अब इसको लोग थर्ड डिराइव करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आप लिखेंगे टेकिंग, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, देखिए टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड वी गेट मतलब क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू क्या होगा, ln a e के पावर क्या होगा, माइनस e क्या हो जाएगा, rt हो जाएगा। अच्छे यहां पे आपने पढ़ा होगा ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m इंटू n, ये फंडा पढ़ा होगा, ये एक ये है, तो ln a प्लस ln क्या हो जाएगा, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस e a बाय rt log, पढ़ा होगा ना फंडा, ये होता है ना कि log m into n बराबर क्या होता है, log m into n बराबर क्या होता है, log m plus log n, log m plus क्या होता है वैल्यू उसका, log m plus log n होता है, तो log a प्लस क्या हो जाएगा, नेचुरल log e to the power one जीरो बाय t। चलिए तो ln k इक्वल टू बताओ क्या होगा, ln a होगा, और यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, तो log m के पावर n, ये पावर नीचे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, ई ए बाय आर टी, और एल एन क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, ये नीचे आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई ए बाय आर टी नेचुरल लॉग ई हो जाएगा। यहाँ पे आप नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया। चलिए आप देखिए इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे फटाफट, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसा होगा एल एन के इक्वल टू क्या होगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई क्या होगा, ई ए बाई आर टी। बच्चों आप याद रखना नेचुरल लॉग का वैल्यू क्या होता है, वन, कितना होता है, वन, आपको यहाँ पर नोट में करा देता हूँ, एल एन ई का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, इसका वैल्यू एक होता है, एक रख लेंगे, याद रखेंगे। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया, आइए आप देखेंगे इसको हम लोग क्या लेंगे डिफरेंट, तो यह वैल्यू हो गया एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी। अब इसको लो लेंगे दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, लिखो एट टेम्परेचर टी वन, एट टेम्परेचर टी वन, अगर तापमान टी वन होगा तो क्या होगा बताओ, अगर टेम्परेचर मेरा टी वन है तो रेट ऑफ क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट बताओ क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट क्या मान लिया के वन, तो अब यहां पे एल एन, अगर के वन ले तो यहां क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस क्या होगा, ई ए अपॉन क्या हो जाएगा, फटाफट देखो आर टी वन होगा, आर टी वन होगा, तापमान टी वन लिया तो एल एन के वन हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया इसको फर्स्ट मॉल इक्वेशन, अब लिखो एट टेम्परेचर टी टू पर क्या होगा, यही हो जाएगा एल एन के टू, अच्छा के टू क्या होगा, के टू तो रेट कांस्टेंट, फटाफट देखो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के टू ना, के टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट, यहाँ एल एन के टू इक्वल टू एल एन क्या होगा, ए और माइनस ई ए वाई क्या होगा, आर टी टू, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। देखो फटाफट टेम्परेचर टी वन पर रेट कांस्टेंट के वन, टेम्परेचर टी टू पर रेट कांस्टेंट के टू, मान लिया दो अलग अलग बन गए इक्वेशन, तो एल एन के वन इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए वाई आर टी वन। अच्छा सेकेंड में अगर टेम्परेचर टी टू हो तो K2 हो जाएगा रेट कांस्टेंट, K2 बराबर हो जाएगा, ये फंडा ठीक है, रेफर पर नोट कर लो उसको, नोट करो। नोट कर लिया ठीक है, बहुत आसान है, फटाफट जहां प्रॉब्लम्स आएगी, जहां क्वेश्चन दिक्कत होगा ना, और फटाफट जाके आप जाइयो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करियो, आराम से इस लेक्चर को आराम से पढ़ियो, एकदम बहुत ही सिंपल है, डिराइव करनी है। आप देख यहां तक नोट कर लिया,
अब हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो ना, क्या करेंगे इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे घटा देंगे। चलो भाई तो घटाओ घटाओ फटाफट, घटाने आता है सबको, कैसे घटाओगे, घटाने तो आता नहीं होगा, कैसे नहीं आएगा बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड में क्या है, लेफ्ट में क्या है, एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू, अब आ जाओ लेफ्ट में, तो एल एन ए माइनस ई ए वाई क्या है आर टी टू, अब माइनस ये हो जाएगा क्या चीज एल एन ए, और यहाँ पे देखो ये माइनस, तो ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा ई ए बाय आर टी टू, तो यहाँ पे घटा हो यहाँ पे माइनस, ये माइनस तो प्लस कर देगा इसको। चलो भाई अब तो एक काम करो, ये वाला कट गया तो एल एन क्या हो जाएगा के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू क्या होगा बताओ, सर यहाँ पे तो आर टी वन होगा ना, आर टी वन होगा तो क्या होगा ई ए, ई ए बाई क्या होगा आर टी वन माइनस क्या हो जाएगा ई ए बाई आर टी टू, ठीक है ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे ना, बताओ बताओ कितना आसान है, इतना आसान है। देखो उधर अब ये पढ़ा फंडा, अभी फंडा आपने पढ़ा होगा, लॉग नेचुरल लॉग के टू बाई के वन, इसको लिख सकते हैं ऐसे लॉग एम बट्टा एन, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, चलिए भाई बहुत आसान है। ई ए बाई क्या करो ना आर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा वन बाई टी वन, क्या हो जाएगा वन बाई टी टू, आर समझ में, यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया यार कॉमन ले लिया, इसमें भी है कॉमन ले लो। अच्छे आपको पढ़ाया था मैंने पिछले वीडियो जाके देखोगे नेचुरल लॉग का मान क्या होता है, एल एन का मान क्या होता है, एल एन का वैल्यू हटाएंगे तो होता है लॉग, सॉरी इसका वैल्यू होता है 2.303 लॉग हो जाता है 2.303 लॉग, तो एल एन को हटाओगे ये नेचुरल लॉग है, यहाँ क्या लाएंगे 2.303 लॉग क्या होगा के टू अपॉन क्या होगा के वन इक्वल टू क्या होगा ई ए वाई, ई ए वाई आर क्या हो जाएगा वन बाय टी वन माइनस क्या हो जाएगा वन बाय टी टू, आ रहा समझ में। अब इसको उठा के यहां पे डाल दो, इसको उठा के यहां पे रख देंगे, ठीक है आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, नोट कर लिया। नेचुरल लॉग का एल एन, एल एन क्या है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का वैल्यू क्या होता है 2.303 लॉग, तोड़ेंगे याद रखना इसका, ये मैथमेटिकल है ना, मैथमेटिकल पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है चलो। तो इसको हम लोग बताओ कैसे लिखेंगे, तो यहां बच्चों हो जाएगा ऐसे होगा ना लॉग के टू अपॉन के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई ए बाई ई ए बाई, ये यहां आ जाएगा तो क्या होगा 2.303 आर वन बाय टी वन माइनस वन बाय क्या होगा टी टू, हो गया। अब यहाँ पे इस आगे संबंध, तो रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर के बीच क्या आ गया रिलेशन, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मजा आ गया। अच्छा दो अलग अलग रेट कांस्टेंट के टू और के वन क्या हो गया, दो डिफरेंट क्या हो गया रेट कांस्टेंट, अच्छा टी वन और टी टू क्या हो गया, दो डिफरेंट टेम्परेचर, बहुत सिंपल है। अगर आप टी वन टी टू का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ई ए का वैल्यू दिया रहेगा, आर का मान जानते हैं, आर का वैल्यू क्या होता है गैस कांस्टेंट, और आर का मान आपने पढ़ा होगा, आर का मान जूल में क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन क्या होता है बेटा पर मोल, चलो ठीक है हाँ। तो यहाँ पे केवल के टू का मान आप देखो जो दो डिफरेंट रहेगा रेट कांस्टेंट, ये का मान दिया रहेगा है, या फिर आपको के टू केवल कोई भी दिया रहेगा एक रेट कांस्टेंट, ठीक है ये दिया रहेगा आठ के नाम ये रहेगा, ये आपको दो दिया रहेगा निकाल दो कोई भी कुछ भी, तो यहाँ पे ऐसा बनता है रिलेशन, ठीक है आप नोट करो फटाफट। अगर सोचो हम लोग ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं ग्राफ, ठीक है हेलो, तो बच्चों लोग ग्राफ में देखेंगे, ठीक है चलो। अब देखो मेरे पास, बताओ मेरे पास क्या था यहाँ पे, मेरे पास क्या था इक्वेशन बताओ, k इक्वल टू क्या था, k इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए वाई आर टी, तो यहाँ पर k क्या जाएगा एल एन
सिंपल क्या होगा, एल एन ए माइनस क्या था, ई ए बाय आर टी, यही था एल एन के इक्वल क्या था, एल एन के इक्वल टू एल एन ए और माइनस क्या था, ई ए आर टी था, ठीक है। तो अब ये जाएगा, पता हो क्या चीज का सुनने, वाई बराबर क्या होगा, एम एक्स, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एम एक्स, ठीक है। जब गौर करो उसको, जब देखो गौर से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, समझ में आ रहा है कहां से आया क्वेश्चन। तो ये वाला जो फंडा ये किस पर जाएगा, किस पर जाएगा, क्वेश्चन पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर, ग्राफ का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वाई पर एम एक्स प्लस सी पे जाएगा। तो लॉग के हो जाएगा किसमें, एल एन के हो जाएगा किसमें, वाई प्लेन का। एक्स वाट में क्या लेंगे, टेम्परेचर वन बाई टी, वन बाई टी लेंगे, बताओ। तो दोनों में कैसा कैसा रिलेशन है, हाँ टी टेम्परेचर नीचे में है, यहाँ पे है, इनवर्सली है ना, ग्राफ क्या होगा बताओ, ठीक है। जैसे हम लोग मिलाएंगे इस पॉइंट को, ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। ये सी, ये क्या हो जाएगा, एल एन ए नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या है एल एन ए क्या है, सी इंटरसेप्ट, यहाँ पे कट करते हुए प्लेन को ना। चलिए आप बताओ यहाँ पे स्लोप, इसको मिला देंगे आगे तो बढ़ा देंगे ना, ये स्लोप हो जाएगा ना, इसको बोलेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ई ए बाय क्या हो जाएगा, ई ए बाय टू पॉइंट जीरो जीरो आर हो जाएगा। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, फंडा समझ में आ गया। तो नोट कर, ये स्लोप है क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगी, नोट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्लोप, एस एल ओ, ठीक है। तो ये ग्राफ लगा स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एल वाई नेचुरल लॉग के वन बाई टी एल एन ए, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। हाँ नहीं तो उसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर लॉग लोगे तो लॉग के ले लेंगे, या फिर क्या हो जाएगा लॉग ए, वो भी सही है, तोड़ दिया तो लॉग के लॉग, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, जहां पे कट करता है इस प्लेन को, एक्स प्लेन क्या हो जाएगा वन बाई टी, और जहां पे ये जहां पे ये स्लोप एक्स प्लेन को काटती है, जहां पे इसको कट करती है ये स्लोप, उसको हम क्या बोलते हैं टेन थीटा, ये स्लोप हो जाती है, एंगल बनाता है ना, ये स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ई ए क्या होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर हो जाएगा, इसको स्लोप कहेंगे, स्लोप क्या होता है टेन थीटा होता है, पढ़ा होगा आपने टेन थीटा को स्लोप कहते हैं। तो ये ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आरहेनियस इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं आरहेनियस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग आरहेनियस इक्वेशन, ठीक है, ध्यान देना। इसमें टेम्परेचर और रेट कॉन्स्टेंट के बीच क्या है, ये रेट कॉन्स्टेंट ये टेम्परेचर के बीच रिलेशन है, संबंध है, आया बात समझ में, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, जहाँ पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे, यानी कि जो मैंने कुछ थ्योरीज वगैरह पढ़ा है, जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम लोग कुछ उठाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स में अधिकांश आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको उस प्रकार के क्वेश्चन उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपका भी कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, सारे फॉर्मूलाज को आप रिवाइज कर लेना, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट लेक्चर में आप आओगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा, और हम इम्पोर्टेंट डीवीआई क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हम लाएंगे, तो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो ठीक है, आप घरों में रहें, सेफ हैं, सुरक्षित रहें, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।